3 दिन इन बीजों को पानी के साथ उबाल कर पी लो। पूरी जिंदगी शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, खून की कमी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जो आपके शरीर की बहुत तरह की बीमारियों का इलाज है और आपके पूरे शरीर को एडी से लेकर चोटी तक के शरीर को निरोगी बनाने का काम करता है और आपके शरीर की बहुत तरह की बीमारियों का इलाज करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे बीजों के बारे में बताएंगे, यदि आप उनको पानी में उबालकर पी लेते हैं तो आपने 3 दिन पिया तो 3रे दिन से ही आपको अपने शरीर में इसका फर्क दिखाई देगा और यदि आप लगातार 15 दिन इसका सेवन कर लेते हैं, 15 से 21 दिन तक, तब आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे और आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। दोस्तों, जिन बीमारियों के लिए आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं लेकिन आपको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये चमत्कारी नुस्खा आपको 3 दिन में ही चमत्कारी रिजल्ट दिखाई देगा और आपको इसके फायदे 3रे दिन से ही नजर आएंगे। दोस्तों, यदि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर है और आप अपने शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तब दोस्तों आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। इन बीजों को पानी के साथ उबाल कर पीना चाहिए और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ में क्या आपको पेट के रोग हैं? आपको पेट में गैस, कब्ज और ये एसिडिटी की समस्या रहती है तो दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस नुस्खे का सेवन हर रोज करेंगे तब आपकी ये पेट के रोग छुमंतर की तरह गायब हो जाएंगे। ना तो आपको कभी कब्ज की समस्या होगी, ना ये गैस की समस्या होगी और ना ही आपको कभी ये एसिडिटी परेशान करेगी। आपकी ये तीनों ही समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी और इसके साथ में आपका पाचन तंत्र भी मजबूत बन जाएगा। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत है तब आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा, यानी आपके शरीर की कमजोरी का भी इलाज होगा, आपका शरीर ताकतवर और फौलादी बन जाएगा। दोस्तों, क्या आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप अपनी इस आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं और आंखों से चश्मे को हटाना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे। दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी 6x6 हो जाएगी और आपकी आंखों से ये चश्मा हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। दोस्तों, क्या आपको शुगर की बीमारी है या आप इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचना चाहते हैं और अपनी इस डायबिटीज की बीमारी को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपकी ये डायबिटीज की बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी और आपकी जो डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं आप उन सब से भी बच जाएंगे। दोस्तों, क्या आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपने शरीर के इस बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना चाहते हैं जिससे कि आपको ना तो हार्ट ब्लॉकेज हो और ना ही आपको हार्ट अटैक का डर रहे, तो दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे, इसको पानी में उबालकर 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करेंगे, तब दोस्तों आपके शरीर से ये बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज हो जाएगा, आपके शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही हार्ट अटैक आएगा, यानी ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा और इस हार्ट अटैक का भी इलाज करेगा। दोस्तों, क्या आपके शरीर में खून की कमी है और आप अपने शरीर की खून की कमी का इलाज करना चाहते हैं, दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर में खून बनेगा, क्योंकि ये आयरन का खजाना है और आपके शरीर की खून की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, क्या आपको मोटापा है और आप अपने पेट, कमर और जांघों की चर्बी को कम करना चाहते हैं, दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपकी पेट, कमर और जांघों की चर्बी पिघल जाएगी जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि ये मोटापा बहुत तरह की बीमारियों का कारण बनता है। दोस्तों, क्या आपको हकलाने की समस्या है और आपकी आवाज सही से नहीं निकलती है, तब भी दोस्तों ये एक काढ़ा
हम इसमें आपको काढ़ा ही बनाना बताएंगे, वो आपकी इस समस्या का इलाज करेगा और आपकी आवाज को सही करेगा। हकलाने की समस्या का जड़ से इलाज करेगा, हकलाना और इस तुतलाने की समस्या का बिल्कुल जड़ से इलाज करेगा। दोस्तों, क्या आपके शरीर में हड्डियों की कमजोरी है और उस हड्डियों की कमजोरी के कारण आपको जोड़ों का दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, कंधे कमर और हाथ का दर्द रहता है या शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, तो दोस्तों तब भी आपने इस नुस्खे को अपने घर पर बनाकर सेवन करना है। इससे आपकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि इतनी चमत्कारी चीज कौन सी है जो आपको ये सभी तरह के फायदे देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों सौंफ के दाने। दोस्तों, सौंफ वात तथा पित्त को शांत करता है, भूख को बढ़ाता है, भोजन को पचाता है, हृदय, मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह बुखार, गठिया रोग आदि वात रोगों, घाव में दर्द, आंखों के रोगों, अपच कब्ज की समस्या में बहुत अधिक चमत्कारी है। इसके साथ ही पेट में कीड़े, प्यास, उल्टी, पेचिस, बवासीर और टीबी आदि रोगों में भी बहुत अधिक चमत्कारी तरीके से काम करता है। तो आइए जानते हैं कि आपने इसका प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों, आपने करना क्या है, सौंफ के दाने लेने हैं, उनको एक चम्मच आपको एक गिलास पानी में डालना है। पहले आपने एक गिलास में पानी डालना है और उसमें आपने एक चम्मच सौंफ के बीजों का डाल देना है, जैसे कि ये हमने डाल दिया। अब आपने इसको ढककर पूरी रात के लिए रखा रहने देना है, जैसे कि ये हमने रख दिया। अब अगली सुबह बासी मुंह आपने क्या करना है, इस पानी को लेकर किसी बर्तन में डालकर आग पर उबलने के लिए रख देने, जैसे कि ये हमने रख दिया। अब आपने इसको थोड़ी देर उबालना है और उबालने के बाद इसको एक गिलास में डालना है। आप इसको छान कर भी डाल सकते हैं और बिना छाने भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बिना छाने प्रयोग करेंगे तब आपको अधिक फायदा होगा। अब आप इसमें अपने स्वाद के लिए शहद मिला सकते हैं और विदाउट शहद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तब आपने इसमें शहद का प्रयोग नहीं करना है, फिर आपने बिना शहद किसका प्रयोग करना है। और ये आपने बासी मुझ का सेवन करना है, सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। और दोस्तों, यदि आप 3 दिन इसका सेवन करेंगे तो तीसरे दिन से ही आपके पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी और आपके शरीर के बहुत तरह के रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। आपके शरीर की इम्यून पावर बढ़ जाएगी जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे कमर और हाथ का दर्द और ये दिल की बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।